हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.3, प्रॉब्लम 1-2, प्रॉब्लम 6। ये जो एक्सरसाइज 9.3 है वो बेस्ड है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज सब टॉपिक पर, ठीक है, जो कि सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम 1। तो यहाँ पे प्रॉब्लम 1 है, फाइंड द 20th एंड nth टर्म्स ऑफ द जीपी, मतलब कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमें एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, 20th एंड nth टर्म, मतलब कि a20 और an। तो सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1। तो पहले मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दो दिया हुआ है वो लिखूँगा, तो 5/2 कॉमा 5/4 कॉमा 5/8। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब कि ए क्या है, 5/2 और कॉमन रेशियो, तो यहाँ पे आपको कॉमन रेशियो चाहिए क्योंकि ये जो सीक्वेंस है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो आपके पास कॉमन रेशियो आ जाएगा। तो इज़ इक्वल टू a2/a1, तो फिर वो इक्वल टू है 5/4/5/2, तो दिस इज़ इक्वल टू 5/4। अब यहाँ पे जो 5/2 है वो रेसिप्रोकल होकर 5/4 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/5। तो यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल होगा, 2 अंदर 2, 2 2 4, तो कॉमन रेशियो क्या होगा, हाफ, ठीक है। तो अब यहाँ से हम 20th टर्म फाइंड करेंगे, तो a20। अब nth टर्म ऑफ जीपी फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a टाइम्स r^n-1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a मतलब कि 5/2 मल्टीप्लाइड बाय r, सो हाफ रेज टू n-1। तो यहाँ पे देखो n क्या है, 20, तो 20-1, तो यहाँ से हमें मिलेगा a20 इज इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ रेज टू 20-1 विच इज़ 19। तो a20 इज इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/19 होगा 1 डिवाइडेड बाय 2/19 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो a20 इज इक्वल टू 5/2 × 2/19। तो a20 इज इक्वल टू 5/2, यहाँ पे पावर्स ऑफ 2 है, तो बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी, तो 2^1+19। तो a20 इज इक्वल टू 5/2 × 20। तो a20 यहाँ पर क्या है, 5/2 × 20। तो ये होगा हमारा फर्स्ट आंसर। अब हम सेकंड आंसर निकालेंगे जो कि है nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो an इज इक्वल टू a×r^n-1, ठीक है। तो nth टर्म हमें निकालना है, तो an हमें फाइंड करना है, तो an इज इक्वल टू a मतलब कि 5/2 मल्टीप्लाइड बाय r क्या है, हाफ,
और रेज टू एन माइनस वन। तो यहाँ से ए एन इज इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 रेज टू n माइनस 1 होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू n माइनस 1 होगा 2 रेज टू n माइनस 1। तो ए एन इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2 रेज टू n माइनस 1। तो ए एन इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू 1 प्लस n माइनस 1। तो ए एन इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा और 2 रेज टू n मिलेगा। तो ए एन इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू n। ठीक है, तो ये होगा हमारा सेकेंड आंसर। तो हमने प्रॉब्लम 1 सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो इजी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम है फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। तो यहाँ पर दो कंडीशंस है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जिसका 8th टर्म है 192। ठीक है, और कॉमन रेशियो भी यहाँ पर दिया हुआ है, कॉमन रेशियो इज 2। हमें फाइंड करना है 12th टर्म ऑफ द जीपी। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे सेकंड। तो गिवन यहाँ पे क्या है, 8th टर्म, 8th टर्म इज 192। ठीक है, तो उसका मतलब है a8 इज इक्वल टू 192 और कॉमन रेशियो क्या है 2। ये सब गिवन है। अब हमें 12th टर्म ऑफ द जीपी फाइंड करना है, तो मतलब कि a12। ठीक है, हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट गिवन है वो हम यूज़ करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a8 इज इक्वल टू 192। फिर a8 क्या होगा, बाय nth टर्म ऑफ द जीपी फॉर्मूला a मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 192। उसका मतलब है a टाइम्स a हमें गिवन नहीं है फर्स्ट टर्म, तो a टाइम्स r जो कि 2 है रेज टू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 192। तो a टाइम्स 2 रेज टू 8 माइनस 1 इज 7 विच इज इक्वल टू 192। तो a इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू 7। अब यहाँ पे हमें a12 फाइंड करना है। ठीक है, तो a12 विल बी इक्वल टू a टाइम्स r रेज टू n माइनस 1। तो 12 माइनस 1 यहाँ, तो a12 इज इक्वल टू a क्या है 192 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू 7। तो 192 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू 7 फिर मल्टीप्लाइड बाय r, यहाँ पर 2 है तो 2 रेज टू 12 माइनस 1। तो a12 इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू 12 माइनस 1 है 11। तो a12 इज इक्वल टू 192 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू 11 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू 7।
है। तो ए ट्वेल्व इज इक्वल टू 192 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू, बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या होगा यहाँ पर, पावर 11 माइनस 7। ठीक है, तो ए ट्वेल्व इज इक्वल टू 192 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू, 11 माइनस 7 इज 4। तो ए ट्वेल्व इज इक्वल टू 192 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू 4 इज 16। तो यहाँ पे हमें अब 192 मल्टीप्लाइड बाय 16 करना है, तो 192 मल्टीप्लाइड बाय 16 होगा 6 2 12, फिर 6 9 56, +1 इज 57, +1 टाइम्स 2 इज 2, 1 टाइम्स 9 इज 9, 1 टाइम्स 1 इज 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ओ यहाँ पर 6 टाइम्स 2 इज 12, 6 टाइम्स 9 इज 57, और 6 टाइम्स 1 इज 6, +5 इज 11। ठीक है, तो वो मैंने नहीं लिया था, तो 2, फिर 7 प्लस 2 इज 9, फिर 9 प्लस 1 इज 10, और 1 बोरो, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3, तो 3092 होगा आंसर। तो ए ट्वेल्व इज 3092। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम 2 सॉल्व कर दिया है। 12th टर्म इज 3092। तो अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड प्रॉब्लम। तो थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर है, द फिफ्थ एट्थ एंड द 11th टर्म्स ऑफ अ जी पी आर पी क्यू एंड एस रिस्पेक्टिवली, शो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टाइम्स एस। तो यहाँ पे फिफ्थ एट्थ और 11th टर्म दिया हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, और फिफ्थ टर्म है पी, फिर 8th टर्म है क्यू और 11th टर्म है एस। हमें ये शो करना है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टाइम्स एस। तो पहले हम जो गिवन है वो लिखेंगे और बाद में हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो थर्ड गिवन, फिफ्थ टर्म इज पी, तो ए फाइव इज इक्वल टू पी, फिर एथ टर्म इज क्यू। ठीक है, तो ए एट इज इक्वल टू क्यू, फिर 11th टर्म इज एस, तो ए इलेवन इज इक्वल टू एस। हमें क्या शो करना है, टू शो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टाइम्स एस। ठीक है, तो यहाँ से ए फाइव इज इक्वल टू पी, हमें क्या मिलेगा, ए टाइम्स आर रेज टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू पी। ठीक है, क्योंकि ए फाइव का फॉर्मूला क्या होगा, ए टाइम्स आर रेज टू 5 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें अब मिलेगा ए टाइम्स आर रेज टू 4 इज इक्वल टू पी। तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन 1। फिर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए टाइम्स आर रेज टू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू। तो ए टाइम्स आर रेज टू 7 इज इक्वल टू क्यू। इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन 2। और यहाँ से ए टाइम्स आर रेज टू 11 माइनस 1 इज इक्वल टू एस। तो ए टाइम्स आर रेज टू 10 इज इक्वल टू एस। इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हमें यूज़ करना है और ये शो करना है। तो हमें
हमें क्या शो करना है वो हम देखेंगे, क्यू स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या है, पी टाइम्स एस। तो पहले हम इस इक्वेशन टू को यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्यू है, ठीक है, और इस क्यू को स्क्वायर करेंगे, मतलब कि इस लेफ्ट हैंड साइड को भी हमें स्क्वायर करना है क्योंकि ये इक्वेशन है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू ए आर रेस टू 7 इज इक्वल टू क्यू। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमें क्या मिलेगा, ए मल्टीप्लाइड बाय आर रेस टू 7 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो अब बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस ये जो पावर है वो दोनों टर्म्स के लिए लगाएंगे, तो ए रेस टू 2 मल्टीप्लाइड बाय आर रेस टू 7 द होल रेस टू 2 विच इज़ इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर रेस टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज़ 14 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, मतलब कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेस टू 2 आर रेस टू 14। तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन 4। तो हमें जो शो करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड तो हमें मिल गया है यहाँ पर। अब पी टाइम्स एस राइट हैंड साइड को देखेंगे तो हमें यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पी टाइम्स एस। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए टाइम्स आर रेस टू 4। तो ए टाइम्स आर रेस टू 4 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड है ए टाइम्स आर रेस टू 10। तो ए टाइम्स आर रेस टू 10 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 का है पी और राइट हैंड साइड इक्वेशन 3 का है एस, तो पी टाइम्स एस आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए टाइम्स ए इज़ ए स्क्वायर टाइम्स आर रेस टू 4 टाइम्स आर रेस टू 10 विच इज़ इक्वल टू पी टाइम्स एस। तो अब यहाँ से हमें मिलेगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर रेस टू 4 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू पी टाइम्स एस। तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर रेस टू 14 विच इज़ इक्वल टू पी टाइम्स एस। तो अब इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 इक्वल है क्योंकि ये जो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4 है वो इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 5। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी टाइम्स एस हमें मिलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टाइम्स एस, ठीक है। तो यही हमें चाहिए था, ठीक है, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टाइम्स एस। तो ये है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 3। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 4। तो प्रॉब्लम 4 है, द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3। डिटरमाइन इट्स सेवेंथ टर्म। तो यहाँ पे फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, मतलब कि ए फोर इज इक्वल टू ए टू द होल स्क्वायर, ठीक है।
एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, तो ए इज इक्वल टू -3 है यहाँ पे। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सेवेंथ टर्म, मतलब कि A7। ठीक तो सॉल्व करेंगे फोर्थ प्रॉब्लम। तो गिवन है A4, फोर्थ टर्म इज, मतलब कि इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, तो A2 द होल स्क्वायर। अब एक और गिवन है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -3। ठीक है, हमें A7 फाइंड करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन वन हमें क्या देगा, A2 द होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन वन। तो फ्रॉम इक्वेशन वन हमें मिलेगा A4 इज इक्वल टू A2 द होल स्क्वायर। यही मैं यूज़ करूँगा, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे वो मैं नहीं यूज़ करूँगा। तो A4 इज इक्वल टू A2 द होल स्क्वायर। अब आपको तो nth टर्म ऑफ GP पता है, तो उस फॉर्मूला से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, A टाइम्स R, R इज द कॉमन रेशियो। ठीक है, तो 4 - 1 इज इक्वल टू A2, तो A टाइम्स 4:2 - 1 द होल स्क्वायर। तो A·R·3 विच इज इक्वल टू A·R·1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा A·R·3 इज इक्वल टू A² × R², तो अब यहाँ पे लाइक टर्म्स हम एक साइड लाएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, R·3 डिवाइडेड बाय R·2 इज इक्वल टू A² डिवाइडेड बाय A। तो यहाँ पे दो आर कैंसिल हो जाएंगे, तो आर इज इक्वल टू यहाँ पे एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा ए। फिर ए क्या है, ए यहाँ पर गिवन है, देखिए -3, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू -3 मिलेगा। ठीक तो कॉमन रेशियो हमें मिला। अब A7 हम फाइंड करेंगे, तो A7 बाय द फॉर्मूला क्या होगा, A·R·7 - 1, मतलब कि A तो -3 है फर्स्ट टर्म, टाइम्स R भी अभी -3 है, √7 - 1, तो −3 × −3√6। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस −3√1+6, तो −3√7। ठीक है, तो अब 3:7 हम फाइंड करेंगे, तो 3:7 क्या होगा, 3:4 क्या है, 81, और 3:3 है 27। ठीक है, तो 3:4 × 3:3 इज इक्वल टू 81 × 27 होगा। ठीक है, तो फिर 3:7 हमें क्या मिलेगा, 81 × 27, ये हमें फाइंड करना है। तो 81 × 27 होगा 7 × 1 = 7, 7 × 8 = 56, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। तो 7, 6 + 2 = 8, 6 + 5 = 11, 1 + 1 = 2। ठीक है, तो 2187 मिलेगा।
3 रेस टू 7, यहाँ पे माइनस 3 द होल रेस टू 7 है तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि पावर यहाँ पे ऑड है। और ये आंसर 2187। ठीक है, तो ये होगा प्रॉब्लम 4 का सॉल्यूशन। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 5। तो प्रॉब्लम 5 को यहाँ पर 3 सब प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम देखते हैं, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज फर्स्ट सीक्वेंस, 2,2√2,4 इज 128। ठीक है, मतलब कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस 2,2√2,4 इज 128। तो हमें ये जो 128 है वो हमें बताना है कौन सा टर्म है इस सीक्वेंस का। ठीक है, और सिमिलरली ये जो 729 है वो कौन सा टर्म है इस सीक्वेंस का, और 1/19683 है वो कौन सा टर्म है इस सीक्वेंस का। मतलब कि यहाँ पर हमें एन फाइंड करना है। ठीक है, एन तो सॉल्व करेंगे 5th प्रॉब्लम। तो टू कॉमा टू रूट टू कॉमा फोर, ठीक है, ये सीक्वेंस हमें दिया है और जो हमें टर्म दिया हुआ है वो है 120। ठीक है, इज 128। तो ये जो 128 है वो कौन सा टर्म है इस सीक्वेंस का, मतलब कि एन हमें फाइंड करना है। यहाँ पर ए दिया हुआ है 2, और कॉमन रेशियो अब यहाँ पे क्या होगा, a2/a1। सेकेंड टर्म क्या है, 2√2/, फर्स्ट टर्म क्या है, 2। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा √2। तो हमें फाइंड करना है एन। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट 128 बी द nth टर्म। ठीक है, दो an इज इक्वल टू 120। हमें अभी तक पता नहीं है n क्या है, हमें वही फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, a टाइम्स r रेज टू n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 128। ठीक है, तो a क्या है, 2, तो 2 टाइम्स r यहाँ पे हमने फाइंड किया है √2 रेज टू n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 128। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ये जो 2 है वो √2 द होल स्क्वायर ऐसा लिखे और फिर मल्टीप्लाइड बाय √2 रेज टू एन माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 128। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, √2। तो बाय द लॉ ऑफ इंडाइसिस अब हम पावर्स ऐड कर सकते हैं, तो √2 रेज टू 2 + n-1 विच इज़ इक्वल टू 128। तो यहाँ पर हमें अब मिलेगा √2 रेज टू n 2-1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 128। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो 128 है उसको √2 की पावर में लिखना है। तो यहाँ पर √2 का पावर हमें फाइंड करना है,
तो आपको पता है अगर आप 128 को 2 की पावर में देखें तो 2 raised to 6 इज 128, ठीक है? या आप ये फैक्टराइज करो 128 को, 2 times 6 is 12, 2 times 4 is 8, और 2 times 3 is 6, और 2 times 2 is 4, फिर 2 times 16 is 32, फिर 2 times 8 is 16, 2 times 4 is 8, 2 times 2 is 4, 2 times 1 is 2, ठीक है? तो 2 काउंट करूँगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 7 है पावर, ठीक है? 7, हाँ तो 7 आ जाएगा, 2 raised to 7 इज 128, ठीक है? तो 2 की पावर तो 7 है, मतलब कि √2 की पावर जो है वो डबल हो जाएगी 7 के, मतलब कि 14, क्योंकि √2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है? फिर √2 the whole square raised to 7 इज इक्वल टू 2 raised to 7, ठीक है? दोनों साइड हम 7th पावर लगाएंगे, तो 2 raised to 7 क्या है, 128, तो यहाँ पर 128 आ जाएगा। तो √2 raised to 2 times 7 is 14, ठीक है? तो 120, तो ऐसे हमें डबल मिलेगा पावर √2 का 2 के कंपैरिजन में, ठीक है? तो 14, तो यहाँ पर क्या होगा, 128 इज इक्वल टू √2 raised to 14, तो यहाँ से अब हमें मिलेगा √2 raised to n+1 इज इक्वल टू √2 raised to 14। अब बाय कंपेयरिंग द इंडाइसिस हमें मिलेगा n+1 इज इक्वल टू 14, तो n इज इक्वल टू 14 माइनस 1, सो n इज इक्वल टू 13। तो प्रॉब्लम ए ऑफ प्रॉब्लम 5 हमने सॉल्व किया है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम बी। तो प्रॉब्लम बी में पहले हम सीक्वेंस देखेंगे, तो सीक्वेंस हमें दिया है √3, 3, 3√3 और इज 729, मतलब कि हमें फाइंड करना है 729 कौन सा टर्म है इस सीक्वेंस का। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे ए इज इक्वल टू √3, फिर कॉमन रेशियो क्या होगा, a2 डिवाइडेड बाय a1, तो 3 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है? 3 डिवाइडेड बाय √3। तो यहाँ पर हम ये रैशनलाइज करेंगे, तो मतलब कि यहाँ पर हमें √3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो √3 डिवाइडेड बाय √3, तो 3√3 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 होगा 3, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और √3 हमें मिलेगा, तो कॉमन रेशियो हमें मिल गया है। अब पहले हम इसे nth टर्म कहेंगे, ठीक है? लेट 729 बी दी nth टर्म। तो फिर an इज इक्वल टू 729, तो बाय द फॉर्मूला यहाँ पे हमें मिलेगा a times r raised to n-1 इज इक्वल टू 729। अब ए यहाँ पर √3 है और कॉमन रेशियो अभी अभी हमें क्या मिला है, √3, फिर raised to n-1,
विच इज इक्वल टू 729। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बाय लॉ ऑफ इंडेक्सेस पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो √3:1 प्लस एन माइनस वन विच इज इक्वल टू 729। तो वन और माइनस वन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो √3:n इज इक्वल टू 729। तो अब 729 का पावर हम √3 हमें देखेंगे, तो उसके लिए हमें फैक्टराइज करना है 729। तो 729 अगर हमने फैक्टराइज किया तो 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9, 3 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 27 ज़ार 81, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो 729 यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पावर ऑफ 3 में 3:6। ठीक है, तो बस √3 का पावर क्या होगा, अगर हमको 729 चाहिए तो जस्ट डबल ऑफ दिस 6, तो 12। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रूट है तो पावर्स जो है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो 12 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें अब क्या मिलेगा, 729 इज इक्वल टू √3:12। ठीक है, तो 729 इज इक्वल टू √3:12 विच इज इक्वल टू √3:n। तो बाय कंपेयरिंग द इंडाइसिस हमें मिलेगा 12 इज इक्वल टू एन, तो उसका मतलब है एन इज इक्वल टू 12। तो एन की वैल्यू हमें मिल गई है, तो देयर फॉर 729 इज द 12th टर्म ऑफ जीपी। अब हम प्रॉब्लम सी सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम सी में सीक्वेंस है 1/3, फिर 1/9 और फिर 1/27 इज 1/19683। तो मतलब कि हमें बताना है कि 1/19683 कौन सा टर्म है इस सीक्वेंस का। तो पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 1/3, फिर कॉमन रेशियो, तो a2/a1। तो यहाँ से हमें a2/a1 मिलेगा 1/9/1/3, फिर 1/9 × 3/1, तो 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो 1/3 हमें मिलेगा। ठीक है, तो कॉमन रेशियो इज 1/3, तो लेट 1/19683 बी द nth टर्म। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा n है यहाँ पर, तो वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, an, मतलब कि nth टर्म इज 1/19683। तो फॉर्मूला क्या है ए एन का, ए मल्टीप्लाइड बाय √n-1 इज इक्वल टू 1/19683। फिर ए क्या है, 1/3, और मल्टीप्लाइड बाय आर भी यहाँ पर हमें 1/3 ही मिला है, तो 1/3 √n-1 विच इज इक्वल टू 1/19683। और यहाँ से हमें अब क्या मिलेगा,
वन बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय वन बाय थ्री रेज टू एन माइनस वन, विच इज़ इक्वल टू वन बाय 19683 और वन बाय, यहाँ देखो थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री रेज टू एन माइनस वन आ जाएगा, इज इक्वल टू वन बाय 19683। तो अब यहाँ से बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस वन बाय थ्री रेज टू वन प्लस एन माइनस वन विच इज इक्वल टू वन बाय 19683। तो वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा वन बाय थ्री रेज टू एन विच इज इक्वल टू वन बाय 19683। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे करें तो हमें क्या मिलेगा, तो 19683 इज इक्वल टू थ्री रेज टू एन। तो अब हम 19683 के पावर देखेंगे थ्री के टर्म्स में, 19683, थ्री सिक्स आर 18, फिर थ्री फाइव आर 15, थ्री सिक्स आर 18, थ्री वन आर 3, थ्री टू आर 6, थ्री वन आर 3, थ्री फाइव आर 15, सॉरी थ्री टू आर 6, फिर थ्री वन आर 3 और थ्री सेवन आर 27, ओ सॉरी थ्री एट आर 24, ठीक है, तो 218 और यहाँ पे दो बचेगा तो थ्री सेवन दर 21। तो अब थ्री सेवन दर 21, थ्री टू ज़र 6, टू रिमेन्स, थ्री नाइन दर 27, ठीक है। फिर यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, आपको पता है 729 है थ्री रेस टू 6, तो थ्री रेस टू 6 टाइम्स वन इज 729, ठीक है। तो अब 19683 होगा थ्री रेज टू 3 मल्टीप्लाइड बाय थ्री रेज टू 6। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, थ्री रेज टू 3 प्लस 6, तो जो कि है थ्री रेज टू 9, ठीक है। तो 19683 इज इक्वल टू थ्री रेज टू 9, थ्री रेज टू 9 इज इक्वल टू थ्री रेज टू एन। Therefore, by comparing the indices, हमें अब क्या मिलेगा, 9 is equal to n, मतलब कि n is equal to 9। तो problem C of problem 5 हमने solve कर दिया है, ठीक है। तो problem 5 पूरा हमने solve किया है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 6। तो प्रॉब्लम 6 देखते हैं यहाँ पर, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द नंबर्स माइनस टू बाय सेवन कॉमा एक्स कॉमा माइनस सेवन बाय टू आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा सीक्वेंस हमें दिया हुआ है तीन टर्म्स का, तो बस हमें इस वैल्यू ऑफ एक्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 6। तो माइनस ट्वेंटी माइनस टू बाय सेवन कॉमा एक्स कॉमा माइनस सेवन बाय टू, ठीक है। दीज आर इन जीपी, मतलब कि ये जो सीक्वेंस है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो रेशियो ऑफ द सेकेंड टर्म विद द फर्स्ट टर्म एंड द रेशियो ऑफ द थर्ड टर्म विद द सेकेंड टर्म इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि ए टू डिवाइडेड बाई ए वन इज इक्वल टू ए थ्री डिवाइडेड बाई ए टू, ठीक है। ये ए वन है, ये ए टू है और ये ए थ्री है। तो ए टू डिवाइडेड बाई ए वन इज इक्वल टू
ए थ्री डिवाइडेड बाई ए टू, जो कि एक कॉमन रेशियो है, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए टू इज़ एक्स, फिर डिवाइडेड बाई ए वन विच इज़ -2/7, विच इज़ इक्वल टू ए थ्री विच इज़ -7/2 डिवाइडेड बाई ए टू दैट इज़ एक्स। तो यहाँ पर अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज़ एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -7/2 मल्टीप्लाइड बाय -2/7। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, फिर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1। तो एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1, और रूट लेते वक्त हमें प्लस और माइनस लेना है, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। तो हमें दो वैल्यूज मिली है एक्स की, प्लस और -1, ठीक है। देयर फॉर फॉर -2/7 कॉमा एक्स कॉमा -7/2 टू बी अ जी पी, एक्स शुड बी 1 और -1, ठीक है। तो आंसर क्या है, एक्स इक्वल टू 1 और -1। तो अब हम ओके, तो प्रॉब्लम 6 हमने सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।